अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में और जी खुशियाँ बांट रहे होंगे। और जी मैं आज बना रही हूँ भिंडियाँ। तो सबसे पहले मैंने भिंडियों को कटिंग कर लिया था और मैंने इनको फ्राई कर लिया है थोड़ा सा घी डाल के, क्योंकि ज़्यादा घी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और महंगा भी बहुत ज़्यादा है। तो जी ये मेरी भिंडियों के दो बैच बने थे और मैंने इनको दो बैच में फ्राई कर लिया है, ठीक है। और दूसरी साइड पे मैंने प्याज कटिंग करके रखे हुए थे, उसी घी में मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। जिससे मैंने भिंडियाँ निकाली हैं वो हमने ज़ाया नहीं करना घी, उसी घी में हमने भिंडियों सॉरी प्याज डाल के उनको ब्राउन करना है, ठीक है। आप अगर लाइट कलर प्याज़ों का रखना चाहते हैं लाइट कर लें, डार्क ब्राउन पसंद है आपको तो डार्क ब्राउन कर लें आप प्याज़ों को। और बस प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है अपनी पसंद से, और हमारे घर में ज़्यादा डार्क पसंद नहीं किए जाते, इसलिए बस ये देखिए जी मैंने लाइट से ब्राउन किए हैं। तो उसके बाद बस मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। ये है टमाटर और साथ ही है इसमें नमक है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सूखा साबुत धनिया है और अजवाइन है। और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, और वो ये सब कुछ हम डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें टमाटर, और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था साथ ही, तो वो मैंने नहीं आपको दिखाया, तो आप शामिल कर लीजिएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। पर अगर आप नहीं भी डालेंगे तो फिर भी भिंडियाँ बहुत ही मज़े की बनेंगी, ठीक है। तो बस आप साथ ही अब ये बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर दें और बस इसको अच्छी तरह से आपने हिला लेना है, और थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे इसको छोड़ दें आप, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें जब ये थोड़ा सा मसाला रच जाएगा, सारा यकजा हो जाएगा प्याज़ों के साथ, तो फिर हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। तो जी ये हो गया है मसाला, देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, भिंडियाँ डालने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हमने इसमें एक चीज़ डालनी है, वो है इमली का पल्प। तो बस मैंने इमली को भिगो लिया था, भिंडियाँ फ्राई होने रखने से पहले इसको मैंने भिगो लिया था, तो ये अच्छा सा इसका पल्प जो है रेडी हो गया है। अब इसमें मैं इसका सिर्फ पल्प डाल दूँगी और हमने गुठलियाँ नहीं डालनी। और मैंने आपको बताया कि गुठलियाँ डालने से कड़वा हो जाता है सालन, तो गुठलियाँ ना डाला करें, ठीक है। तो बस गुठलियाँ नहीं डालनी और हमने बस इसका पल्प डाल के उसके बाद इसको हिला लेना है, और इसके बाद इसमें भिंडियाँ शामिल कर देनी है, ठीक है। और इनको बस हम हिलाएंगे, हिला के और इनको हम दम पे रख देंगे, ठीक है जी। तो बस ये हमारी बड़ी अच्छी से भिंडियाँ रेडी हो जाएंगी, और आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है और क्विक बनने वाली है। बस भिंडियों की कटिंग आज मेरी बेटी ने कर दी थी, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही क्विक लगा कि बस जल्दी से मेरी सब्ज़ी जो है तैयार हो गई थी, और बहुत मज़े की भिंडियाँ बनी थी। और ये सब्ज मिर्चें तीन मैंने कटिंग कर ली थी, इस तरह लंबी लंबी सी इनकी आपने कटिंग कर लेनी है। और इसमें इसको दम पे रखते वक्त ना आपने इसको ऊपर डालना है भिंडियों के, और ढक्कन बंद करके बस इसको दम पे रख देना है, ठीक है जी। तो बस 2 से 3 मिनट में दम आ जाएगा, और उसके बाद हमारे ये देखिए जी सालन बिल्कुल हो गया है रेडी, और ये रेडी टू ईट है। और जल्दी से खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ेदार है। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।